इसराइल और हमास के बीच चल रही जंग की आग रूस तक पहुंच चुकी है। देखिए, रूस के रेगिस्तान में एक एयरपोर्ट पर फिलिस्तीनी समर्थकों ने धावा बोल दिया। उन्हें एयरपोर्ट के इसराइल के जहाज के लैंड होने की खबर मिल गई थी और जिसके बाद फिलिस्तीनी समर्थकों ने एयरपोर्ट पर तोड़फोड़ की और इसराइल के लोगों को तलाश करने लगे और इसी दौरान उन्होंने जमकर बवाल भी मचाया। रूस ने इसराइल के खिलाफ हुए हिंसक विरोध प्रदर्शन से इसराइल इस वक्त गुस्से में है। जंग की एक तस्वीर गाजा से आई जब इसराइल ने दूसरे चरण की जंग में गाजा और फिलिस्तीन में तबाही मचा दी। दूसरी तस्वीर रूस के रेगिस्तान से आई जहां फिलिस्तीनी समर्थकों ने इसराइलियों पर हमला बोल दिया। ऐसे इसराइल और हमास में जंग गाजा और फिलिस्तीन में लड़ी जा रही है जहां लाखों रॉकेट, हजारों फाइटर और सैकड़ों टैंक तबाही मचा रहे हैं। लेकिन यहां से 2500 किलोमीटर दूर रूस के रेगिस्तान शहर में इसराइल और हमास के बीच चल रही जंग की आग भड़क गई। रेगिस्तान की राजधानी महसकला में एयरपोर्ट पर फिलिस्तीनी समर्थकों ने अचानक से धावा बोल दिया। हजारों की संख्या में आए फिलिस्तीनी समर्थक जबरदस्ती एयरपोर्ट के अंदर दाखिल हो गए। तोड़ फोड़ करते हुए एयरपोर्ट पर ही इसराइल के खिलाफ जंग का ऐलान कर दिया। एयरपोर्ट पर मौजूद एक औरत चीख चीख कर चिल्लाती रही कि यहाँ कोई इसराइली नहीं है, लेकिन एयरपोर्ट पर पहुंचे फिलिस्तीनी समर्थक नहीं माने। वो कोने कोने में इसराइल के लोगों को ढूंढने लगे। रूस के रेगिस्तान में लोगों को इसराइल से जहाज आने की खबर मिली थी और इसके बाद एयरपोर्ट पर फिलिस्तीनी समर्थक इसराइल के हमलों का विरोध करने पहुंचे। धक्का मारकर तोड़फोड़ करते हुए एयरपोर्ट टर्मिनल में दाखिल हुए। फिलिस्तीनी समर्थकों के एयरपोर्ट टर्मिनल में दाखिल होते ही चारों तरफ अफरातफरी मच गई। वो चारों तरफ टर्मिनल में इधर उधर घूमने लगे और इसराइल के लोगों को ढूंढने लगे। फिलिस्तीनी समर्थकों ने इसराइल के विरोध में नारेबाजी की और धार्मिक नारे लगाए। फिलिस्तीनी समर्थक इसके बाद हर कमरे का दरवाजा धक्का मारकर खोलने लगे, हर कमरे में जबरदस्ती घुसने लगे, सामान को इधर उधर फेंक दिया। यही नहीं, फिलिस्तीनी समर्थकों ने एयरपोर्ट के बाहर पुलिस की गाड़ी को घेर लिया। वो पुलिस की गाड़ी पर चढ़कर हमला करने लगे। आसपास मौजूद लोगों ने फिलिस्तीन का झंडा लहराया और इसराइल के विरोध में नारेबाजी की। रूस में इसराइल के विरोध में हुए हिंसक प्रदर्शन के बाद इसराइल का गुस्सा भड़क गया। इसराइल के विदेश मंत्रालय की तरफ से एक बयान जारी किया गया और इसराइल विरोधियों पर कार्रवाई की मांग की गई। इसराइल को उम्मीद है कि रूस में कानून संभालने वाले अधिकारी इसराइली और यहूदियों की रक्षा करेंगे, चाहे वो कोई भी हो। दंगाइयों के खिलाफ इसराइलियों पर बेलगाम उकसावे के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करेंगे। उधर रेगिस्तान के गृह विभाग ने एक बयान में कहा कि वो एयरपोर्ट पर हुए हमलों की सीसीटीवी की जांच कर रहे हैं और हमलावरों की पहचान कर रहे हैं। रूस ने भरोसा दिया कि जो भी इन हमलों में शामिल होगा उन्हें कानून के दायरे में लाया जाएगा। उधर एक दूसरे मामले में इसराइल ने रूस के राजदूत को तलब कर लिया और पिछले हफ्ते मॉस्को में हमास के प्रतिनिधिमंडल की मेजबानी पर विरोध जताया। जबकि इसराइल के विदेश मंत्रालय ने एक बयान जारी कर कहा कि हमास का समर्थन और उनकी मेजबानी इसराइल के खिलाफ हो रहे हमास के आतंकी हमलों का समर्थन करता है, जबकि रूस ने इस मेजबानी को इसराइल फिलिस्तीन जंग में सभी पक्षों से संपर्क करने की एक कोशिश का रूप बताया।